नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। डेली डायरी आज आपको बताने जा रहा है कि आखिर कौन है भारत माता और क्या है भारत माता की जय का असली मतलब। जी हां, भारत माता की जय के बिना कोई भी राष्ट्रीय पर्व का उद्घोष कभी पूरा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत माता की जय का उद्घोष कहाँ से आया और क्या होता है इसका मतलब? तो आइए आज हम आपको बताते हैं भारत माता के बारे में। भारत को मातृ देवी के रूप में चित्रित करके उसे भारत माता या फिर भारतम्बा कहा जाता है। भारत माता को प्रायः केसरिया या फिर नारंगी रंग की साड़ी पहने, हाथ में भगवा ध्वज लिए चित्रित किया जाता है और साथ ही में सिंह भी होता है। भारत में भारत माता के बहुत से मंदिर हैं। काशी का भारत मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसका उद्घाटन 1936 में स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से भारत माता की जय को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने इस पर भगवाकरण का आरोप लगाया तो कुछ लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने पर जरा भी देर नहीं की। लेकिन अगर इतिहास पर गौर फरमाएंगे तो सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारत माता की जय भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला नारा था। जी हाँ, भारत भूमि को जीवन का पालन करने वाली माता के रूप में रूपायित कर उसकी मुक्ति के लिए की गई कोशिशों में उसकी संतानों ने इस नारे का बार बार प्रयोग किया। भारत माता की वंदना करने वाली ये उक्ति हर उद्घोष के साथ स्वाधीनता संग्राम के सिपाहियों में नए उत्साह का संचार करती थी। इसलिए आज भी इस नारे का प्रयोग राष्ट्र प्रेम या फिर राष्ट्र निर्माण से जुड़े अवसरों, कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में किया जाता है।